हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के मसालों को लेके। दोस्तों, आपने देखा है कि मॉइस्चर के चक्कर में हमारे मसालों में इस तरीके से गांठें पड़ जाती हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि मेरा अमचूर पाउडर है, इसके अंदर किस तरीके से गांठें पड़ चुकी है। तो अगर आपके भी मसालों में इस तरीके से गांठें पड़ जाएं, आपने क्या करना है, आपने लेना है थोड़ा सा नमक, और नमक लेने के बाद आपने अपने सारे मसालों के बीच में इस तरीके से नमक को डाल देना है। नमक डालने से क्या होगा, नमक जो है इसके अंदर का मॉइस्चर सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि आपके मसाले में इस तरीके से गांठें नहीं पड़ेंगी और आपका मसाला भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है तवे को लेके। जब भी हम दोस्तों खाना बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, तवे को बर्तन के साथ ही साफ करके रख देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको पोंछ कर नहीं रखते, जिसके कारण क्या होता है, हमारे तवे के ऊपर इस तरीके से जंग लगना शुरू हो जाता है। और इसी टाइप के तवे के ऊपर हम खाना बनाएं तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये सारा जंग जो है हमारे शरीर में रोटी के थ्रू चला जाता है। जब भी आप तवे को अपना धोकर रखें तो उसके बाद आपने क्या काम करना है कि उस तवे को आपने सूखे कपड़े से साफ करके इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा तेल। और तेल लेने के बाद आप कोई भी कपड़ा या टिश्यू पेपर ले लीजिए, और टिश्यू पेपर लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से तेल से ग्रीस कर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर जंग ना लगे। और अगर आपके तवे के ऊपर जंग लग गया है तो भी आप इस तरीके से तेल डालकर जंग को रिमूव कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना सारा जंग जो है मेरे टिश्यू पेपर के ऊपर आ गया है। और दूसरी टिप ये है कि जब भी आप इसको रखें तो आप इसको खुला बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि खुला रखने से क्या होता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं रात के टाइम में हमारे किचन में फैल जाते हैं, जो कि हमारे बर्तनों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो आपने जब भी इसको रखना है तो उसके लिए लेना है आपने एक पॉलीथीन, और पॉलीथीन लेने के बाद इस तरीके से पॉलीथीन डालकर आपने इस तरीके से आप पॉलिथीन में डालकर अपने तवे को रखेंगे तो आपका तवा एकदम सुरक्षित रहेगा, इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट चढ़कर इसको इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हमारे घर में कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि एयर टाइट नहीं होते हैं। इनके अंदर अगर हम कुछ भी सामान रखते हैं तो बारिश के दिनों में इसके अंदर सीलन आ जाती है और हमारा सारा का सारा सामान जो है खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज मैं जो आपके साथ ट्रिक लेकर आई हूँ, उसकी मदद से आप अपने इस नॉर्मल कंटेनर को ही एयर टाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए ले लें आप इस तरीके की कोई भी पन्नी, और पन्नी लेने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस पन्नी को कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो भी कंटेनर है उसके ऊपर हमने इस तरीके से पन्नी को रख देना है, और उसके बाद हमने अपने कंटेनर के ढक्कन को बंद कर देना है। आप चाहे तो ये जो एक्स्ट्रा वाला है इसको भी आप सीजर की मदद से कट कर सकती हैं। इस तरीके से जब आप अपने कंटेनर को यूज़ करेंगी तो आपका कंटेनर एकदम एयर टाइट हो जाएगा और इसके अंदर रखा हुआ सामान कोई भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है स्टेपलर को लेके। दोस्तों, किसी भी चीज़ को स्टेपल करने के लिए हम अक्सर स्टेपलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, गलती से हमारी स्टेपलर पिन जो है कहीं पर गलत लग जाती है। जब हमें इसे निकालना होता है तो काफ़ी दिक्कत आती है। इसको अगर हम हाथ से निकालते हैं तो हमारे हाथ में भी चुभने का डर रहता है, और अगर हम इसको हाथ से निकालते हैं तो हमारे हाथ में चुभने का भी डर रहता है। लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि स्टेपलर के पीछे हमेशा एक इस तरीके से नुकीला पॉइंट बना होता है। ये पॉइंट बना होता है हमारा स्टेपलर की पिन को निकालने के लिए। ये देखिए, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से जो गलत लगी हुई स्टेपलर की पिन को निकाल पाते हैं। ये देख सकते हैं, इससे हमारी स्टेपलर की पिन बहुत ही आसानी से निकलकर बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से जब भी आपके किसी भी पेपर के ऊपर गलत स्टेपलर पिन लग जाए तो उसको निकालने के लिए आप स्टेपलर का ही इस्तेमाल करें, ना कि हाथों का। दोस्तों, इस तरीके से कई बार हमारे स्विच बोर्ड के ऊपर गंदे चिपचिपे दाग लग जाते हैं, जिसको साफ़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए लेनी है आपने कॉटन। कॉटन के ऊपर अब हम लगा देंगे नारियल तेल। अब इसकी मदद से जब आप अपने स्विच बोर्ड को साफ़ करेंगे तो आपके स्विच बोर्ड बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। इसके अंदर जितने भी चिपचिपे आपके दाग लगे हैं वो सारे के सारे क्लीन हो जाएंगे। और कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, रेनी सीजन पे जो हमारे प्लग्स होते हैं उसके ऊपर भी इस तरीके से वाइट वाइट सा सीलन सी जम जाती है। तो अगर आप इस तरीके से नारियल तेल के साथ इसको भी क्लीन करेंगे, आपके ये जो प्लग हैं ये भी साफ हो जाएंगे, और इसके ऊपर ये जो सीलन है ये आगे से लगेगी नहीं। और साथ ही साथ आप जब नारियल के तेल से इसकी क्लीनिंग करेंगे तो इसके ऊपर एक कोटिंग बच जाएगी, नेक्स्ट टाइम जो भी है इसके ऊपर दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे, और अगर पड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्लीन भी हो जाएंगे। और कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम अक्सर जो है स्विच बोर्ड का
जो ये प्लग है इसको हमेशा ऑन करके ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमारी जो है बिजली धीरे धीरे कंज्यूम होती रहती है और हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए आप जब भी कोई भी अपना काम कर ले तो उसके बाद इसके स्विच को आपने हमेशा बंद करके इस तरीके से रखना है। चलिए अब देख लेते हैं इस तरीके की छन्नी अगर आपकी खराब हो गई है तो इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि इसका ये जो पार्ट है इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब हमारे पास इसका ये स्टैंड और ये छलनी आ चुकी है। इस छलनी को भी हम फेंकेंगे, इसको भी आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो आपका ये खुला हुआ पार्ट है आप इसको किसी नाइफ की मदद से इस तरीके से इकट्ठा कर लें। ये देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो इसको लगा दीजिए अपनी आप सिंक की जाली में। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी आप सब्जी वगैरह वॉश करती हैं या उसके जो पत्ते वगैरह है या आपकी कोई जूठन वगैरह है वो सब की सब इसके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी और इसके बाद आप इसको उठाकर डस्टबिन में आसानी से फेंक सकते हैं। ये एज ए आपका सिंक के स्टेनर का काम करें। तो दोस्तों इस स्टैंड का इस्तेमाल आप अपने किचन में भी कई तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है इस तरीके के एस हुक। अब हम क्या करेंगे, इन हुक को हम इस स्टैंड के अंदर इनके अंदर डालकर अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। आप जितने हुक इनके अंदर हैंग करना चाहते हैं उतने आप हुक इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास जितने हुक थे मैंने इसके अंदर इस तरीके से हैंग कर दिए हैं। अब इसका इस्तेमाल हम अपने किचन में कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको मैंने अपने किचन में इस तरीके से हैंग कर दिया है। इसके ऊपर वाले पोर्शन में मैंने ग्लास रख दिए हैं और ग्लास के अंदर मैंने स्पून्स वगैरह रख दिए हैं और नीचे वाले पोर्शन में मैंने अपनी जितनी भी कटलरी है उसको रख दिया है। इस तरीके से आप इस स्टैंड का मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।